और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 221 की। मोदी सरकार ने पहली बार देश में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से बंद कर दिया। गौरतलब है कि सन 2012 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हज पर दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे बंद करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 10 सालों का समय भी निर्धारित कर दिया था, लेकिन 16 जनवरी 2018 को मोदी सरकार ने एक झटके में इसे खत्म करने का फैसला किया। सरकार ने हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय की लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा पर खर्च करने का फैसला किया। गौरतलब है कि हज सब्सिडी के तौर पर सरकार ने सन 2014 में करीब 577 करोड़, सन 2015 में करीब 529 करोड़, सन 2016 में 405 करोड़ और सन 2017 में 250 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मोदी सरकार का मानना था कि हज सब्सिडी से किसी गरीब मुसलमान का कोई भला नहीं होता था। खास बात यह है कि हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले का किसी ने विरोध नहीं किया।